गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सनराइज़ ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। प्लस टू क्लास के लिए हम पढ़ रहे हैं सेकंड चैप्टर का बेसिक्स। तो सेकंड चैप्टर है, देखिए आगे चलते हैं। साइन इनवर्स माइनस वन, अगर साइन इनवर्स माइनस वन है तो किसके बराबर होगा? माइनस साइन इनवर्स एक्स। माइनस जो है साइन का वो बाहर आ जाएगा। ऐसे ही अगर कोस इनवर्स माइनस एक्स है तो कोसिकेंट इनवर्स माइनस एक्स है, तो साइन का उल्टा होता है ना कोसिकेंट। तो जो रूल साइन इनवर्स पे फॉलो होगा वही कोसिकेंट इनवर्स पे होगा। इसमें भी माइनस कहाँ जाएगा? बाहर आ जाएगा, कोसिकेंट इनवर्स माइनस एक्स। और कोस इनवर्स एक्स का, जब कोस इनवर्स में माइनस एक्स होगा, ये माइनस का एक्स है, कोस में माइनस एक्स है, तो ये होगा कोस इनवर्स पाई माइनस एक्स। ये अगर आपको दिखने में दिक्कत हो रही है तो ये है कोस इनवर्स माइनस एक्स, ठीक है। कोस इनवर्स माइनस एक्स का कोस इनवर्स पाई माइनस एक्स, पाई में से माइनस हो जाएगा। ऐसे ही सीकेंट इनवर्स माइनस एक्स अगर है तो सीकेंट इनवर्स माइनस एक्स होगा सीकेंट इनवर्स पाई माइनस एक्स। तो यहाँ तक हम क्या समझे कि अगर साइन में और कोसिकेंट में माइनस होगा अंदर तो माइनस बाहर आ जाएगा, और अगर कोस में और सीकेंट में माइनस होगा अंदर तो किस में से चेंज हो जाएगा? पाई में से चेंज हो जाएगा। ऐसे ही है टेन इनवर्स माइनस एक्स, तो टेन में अगर माइनस है तो माइनस बाहर आ जाएगा टेन इनवर्स। लेकिन अगर कोट इनवर्स माइनस एक्स है तो दोनों हो सकते हैं, माइनस कोट इनवर्स एक्स भी हो सकता है और कोट इनवर्स पाई माइनस एक्स ये भी हो सकता है, कोट इनवर्स पाई माइनस एक्स। नाउ साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स किसके बराबर होगा? पाई बाई टू के बराबर। ये ध्यान रखने वाली बातें हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। सिकेंट इनवर्स एक्स प्लस कोसिकेंट इनवर्स एक्स ये भी किसके बराबर होगा? पाई बाई टू के। इसी तरह टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स ये भी किसके बराबर होगा? पाई बाई टू के। अब हम इनकी वैल्यूज़ देखेंगे, टेबल जो आप टेंथ में भी आपने पढ़ी थी ये टेबल, कि जीरो डिग्री, थर्टी डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। एक बात का आप जानते ही होंगे कि पाई का मतलब, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं हम तो ट्रिग्नोमेट्री में पाई का मतलब क्या होता है? 180, है ना, नोट 22/7। 22/7 होता है मेंसुरेशन में, और ट्रिग्नोमेट्री में पाई का मतलब होता है 180। तो हम ये पढ़ रहे हैं अब वैल्यूज़ इनकी, कि जीरो डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे किसकी वैल्यू क्या क्या होती है। तो साइन की वैल्यू देखिए आप, साइन की वैल्यू जीरो डिग्री पे कितनी होती है? जीरो। 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे, 60 डिग्री पे √3/2, ये कितना है? ये है √3/2। और 90 पे साइन होगा 1। जब कोस के निकालेंगे तो पीछे से उल्टा लिखना चालू कर देंगे, पहले आएगा वन, है ना, साइन का जो आया था उसका उल्टा लिखना है, तो उल्टा स्टार्ट करेंगे। तो कोस जो है जीरो डिग्री पे होगा 1, 30 डिग्री पे होगा √3/2, 45 पे होगा 1/√2, 60 पे होगा 1/2 और 90 पे होगा 0। तो साइन और कोस की वैल्यू जब आ जाएंगी तो टेन की निकल जाएगी, टेन क्या होता है? साइन बाई कोस। तो वैल्यूज़ भी साइन बाई कोस करते जाओ, 0/1 0, 1/2/√3/2 क्या आ जाएगा? 1/√3, 1/√2/1/√2 1, √3/2/1/2 मतलब √3, और 1/0 मतलब इन्फिनिटी। ऐसे ही जब हम कोसिकेंट करेंगे तो कोसिकेंट साइन का उल्टा होता है, तो साइन का उल्टा कर दीजिए आप, 0 का उल्टा होगा इन्फिनिटी, 1/2 का उल्टा होगा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3 और 1 का उल्टा 1। फिर हम आएंगे सीकेंट पे, सीकेंट कोस का उल्टा होता है, तो जो कोस की वैल्यूज़ थी उनको उल्टा कर दीजिए, 1 का उल्टा होगा इन्फिनिटी, क्यों? सीकेंट 1 का उल्टा होगा 1, और √3/2 का उल्टा 2/√3 और 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2 और 0 का उल्टा क्या होगा? इन्फिनिटी। ऐसे ही अब टेन का करेंगे, तो टेन का उल्टा होता है कोट, तो टेन की वैल्यू उल्टी कर दो, 0 का रेसिप्रोकल होगा इन्फिनिटी, 1/√3 का √3
वन का वन ही होगा, रूट थ्री का रेसिप्रोकल वन बाय रूट थ्री, और इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल क्या होगा, जीरो। ठीक है, तो ये टेबल भी आपको आनी चाहिए, वैल्यूज़ भी याद होनी चाहिए, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो उसमें इन सब का यूज़ हमारे पास होगा। बेसिकली वैल्यूज़ हमें पता होनी चाहिए, और एक हमें ये पता होना चाहिए, इन सब का यूज़ ज़्यादा होगा फर्स्ट एक्सरसाइज में, कि भाई साइन इनवर्स माइनस होगा तो माइनस बार आ जाएगा, कोसिकेंट इनवर्स माइनस होगा तो माइनस बार आ जाएगा, फिर कोस इनवर्स माइनस होगा तो कोस पाई में से माइनस होगा, सिकेंट इनवर्स माइनस होगा तो सिकेंट भी पाई में से माइनस होगा, टेन इनवर्स माइनस होगा तो माइनस बार आ जाएगा, और कोट इनवर्स माइनस होगा तो कोट किस में से माइनस होगा, पाई में से माइनस होगा। ये वैल्यू ज़्यादा यूज होती है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से अपने फेयर कॉपी में नोट करना है और इनको पढ़ना भी है। ठीक है, जब तक आपको बेसिक नहीं समझोगे तब तक चैप्टर समझ में नहीं आएगा। इसके साथ जो भी आपने टेंथ क्लास में इसका पढ़ा था ना, बेसिक टेंथ क्लास का, वो भी थोड़ा सा रिपीट आपको करना है, थोड़ा ध्यान रखना है कि भाई साइन थीटा जैसे परपेंडिकुलर बाई बेस है ना, कोस थीटा साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा बेस बाई हाइपोटेन्यूज, और टेंथ थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस। तो जो टेंथ क्लास वाले जो फॉर्मूले थे वो भी बेसिक्स के साथ ही आपको पढ़ने हैं। ठीक है, और एक्सरसाइज हम कल से स्टार्ट करेंगे इसके बेटा। तो आज के लिए इतना ही पढ़ना है आपको, और ये सब अपने फेयर कॉपी में भी करना है। थैंक यू।